ये देखिए प्रॉपर मक्के पानी से फेमस मटन अहूने मटन, ये मटन के पीसेस रहते हैं, नली चाप गर्दन और कमर का पीस है। और ये ना प्याज और मटन से ही इसकी ग्रेवी। 3 किलो ही अपन इसमें प्याज डाल रहे हैं। एक किलो में 4 लहसुन डालता हूँ मैं। ठीक है, 1 किलो में 4 लहसुन, इसमें 3 किलो हिसाब से 12 लहसुन रख रहे हैं। ये 1 किलो के हिसाब से इसमें 3 किलो के हिसाब से 3 डब्बे दही जाने वाले हैं। ये 2 डब्बे गए, ये अपना यहाँ पे 3रा डब्बा भी गया। ये हमारे मसाले। अच्छा, ये आपका मिक्स मसाला आपने पहले से कर रखा है। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है बताना थोड़ा। देखिए इसमें अपने ये है स्टार फूल है, ठीक है, तेज पत्ता है, स्टार फूल तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है, दालचीनी हाँ, और धनिया, डेगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और नमक वगैरह सब कुछ इसी में मिक्स है। ये आपका मेजर करा हुआ है पूरा। हाँ, का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाले जाएगा। हाँ। अच्छा, खड़ा लहसुन भी जाएगा और ये पेस्ट भी जाएगा। हाँ, पेस्ट अलग जाएगा। तो ये प्रॉपर पटना स्टाइल में बन रहा है। हाँ। ये देखिए प्रॉपर तेल काम में आता है, ये एकदम। हाँ। सरसों का तेल आया। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए प्रॉपर इसमें जो है तेल डाला जा रहा है, जो अभी अभी भैया ने सरसों का तेल फाड़ा है सामने, देख सकते हैं। नमक के पानी को भैया ये अहूना के अंदर भी थोड़ा थोड़ा हम तेल डालेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। तीनों मटकी में जाएगा, तीनों मटकी में थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। अहूना मटन के लिए तीनों मटकियों में यहाँ पे तेल डालेंगे। देखिए हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे प्रॉपर। हाँ, दो घंटा लगता है इसमें। हाँ। और इसको पका के गैस पे या कोल कोयले की कोयले के आंच पे चले गए। यहाँ पे हमने अब इसमें देखिए एक एक में जो है इसमें आपने 4 लहसुन बताए ना है। हाँ, एक हांडे। ये 4 लहसुन, ये जो आपने प्याज बचे हुए अब इस प्रॉपर जो है। हाँ। प्याज भी डाले जाएंगे, ये प्याज ही ग्रेवी का काम करेंगे जी, प्याज से ही ग्रेवी बनेगी। ये अपनी मटकियाँ आ गई। ये अपनी तीसरी मटकी भी इसमें रख दी है। हाँ। अभी कितनी देर के लिए गई यहाँ पे? अभी सर 1.5 घंटे तक ये सांस पे चलेगी। 1.5 घंटे तक? 1.5 घंटे तक, उसके बाद में आधा घंटा ये दम पे रहेगी। अच्छा, तो दिखाते हैं आपको जैसे ही आधे 1.25 घंटे बाद कैसे इसका टेक्सचर है। ये देखिए इसको अभी रखे हुए 15-20 मिनट हुए मटके को, अपने इसको एक बार हल्का चला देंगे, इसे पता चल जाए कि नीचे लग तो नहीं आ रहा है। देखिए क्या ही बढ़िया सा प्रोसेस है, पटना वाली चीज़ आपको जयपुर में खाने को मिल रही है एकदम बढ़िया तरीके से। नॉनवेज शौकीन के लिए तो ये हेवन है। ये देखिए बढ़िया तरीके से प्याज को देखिए भूना जा रहा है और प्रॉपर इसकी ग्रेवी बन जाएगी।
से आ गया। अब ये देखिए इसको 1 घंटा हो गया है। देखिए पूरी इसकी मतलब ग्रेवी बन चुकी है। हाँ पूरी ग्रेवी जो प्याज अपने डाले थे उसकी पूरी ग्रेवी बन गई है। ऊपर लाना भी एक पीस। भाई ये देखिए आप पीस चेक करिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया से देखिए पीसेस है यहाँ पे। अब इसको लगभग कितनी देर और लग जाएगा? अब इसको लग जाएगा कम से कम नहीं तो 1 घंटा हो। 1 घंटा हो ठीक है। देखिए ये अपना 2 घंटे हो गए अपना मटन अपना रेडी है। अगर देखिए अपना अवना मटन जो है पूरा 2 घंटे लग चुके हैं। अब देखिए रेडी हो चुका है और आपको पीसेस दिखाएंगे। कुछ पीस निकाल के दिखाता हूँ देखिए मैं आपको। अरे नमस्ते भैया, अब वहाँ पे आप इधर शिफ्ट हो गए क्या? जी देखिए सबसे पहले जो है इसमें नली का पीस आया तो मतलब ये जो आप अगर हांडी लेंगे तो सारे पीसेस आ जाएंगे। हाँ ये चाप देखिए आ गया अपना तीसरा पीस और आप ग्रेवी देख सकते हैं क्या ही बढ़िया सा टेक्सचर आ चुका है। ऊपर से देखिए ग्रेवी देखेंगे अब आपको ग्रेवी का टेक्सचर दिखिए और ये लहसुन डाला है पूरा का पूरा होल पीस ये देख सकते हैं आप। देखिए सर भाई यार आप पूरी मेकिंग दिखाइए कैसे बनाया जाता है आहुना मटन स्पेशल वाला पटना का जयपुर के अंदर। भैया लोकेशन बता दो किसको ट्राई करना हो आपका आहुना मटन जयपुर। बिल्कुल लोकेशन है सर ये जगतपुरा में है इंदिरा गांधी सेक्टर 1 और नियर सीबीआई फाटक। बाकी टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं ऑर्डर लेता हूँ और 2 घंटे पहले ऑर्डर पे ही माल लगाता हूँ। आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके उसका ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9414000397।